नमस्कार, मैं आमान शुगर में स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल न्यूज रिपोर्ट। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया में मौका दिया गया है। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही तीन मुकाबले की टी20 सीरीज में जसप्रीत बुमराह की जगह लेंगे। एक दिन पहले जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट के कारण 16 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में होने वाली टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो गए थे। बीसीसीआई ने शुक्रवार को सिराज को टीम में चुने जाने की जानकारी दी। 28 साल के मोहम्मद सिराज की 7 महीने 2 दिन बाद टीम में वापसी हुई है। उन्होंने 27 फरवरी 2022 को आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला था। यह मैच धर्मशाला में श्रीलंका के खिलाफ खेला गया था। हैदराबाद के मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ धर्मशाला में फरवरी महीने में खेले गए मुकाबले में 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट लिया था। उसके बाद सिराज टेस्ट, वनडे, आईपीएल और फर्स्ट क्लास मैच ही खेले हैं। जसप्रीत बुमराह को ठीक होने में 4 से 6 महीने लगेंगे। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में टीम का हिस्सा नहीं रहे। बुमराह को बेंगलुरु में प्रैक्टिस सेशन के दौरान पीठ दर्द हुआ था, जिसके बाद मेडिकल टीम के कहने पर उन्हें पहले टी20 मैच से बाहर किया गया था। इस चोट के कारण वह एशिया कप भी नहीं खेल पाए थे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ी वर्ल्ड।